वेलकम टू माय न्यू फूड व्लॉग। गणेश चतुर्थी चला गया, राधा अष्टमी भी चला गया, तो मेरे चैनल पे कोई भी स्वीट डिश का रेसिपी मैंने नहीं डाला था। तो आज मैंने सोचा कि एक मिठाई का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन कोई आसान सा रेसिपी मुझे शेयर करना था जिसको आप एकदम चुटकी में ही घर में बना सको। तो गाजर का हलवा सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे घर में लगभग हर वीक ये बनता है। चीकू को भी ये बहुत पसंद है, मेरे 2 साल का बेटा चीकू, उसको भी ये खाना बहुत पसंद है और मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। लेकिन गाजर का हलवा जो है वो एक ऑथेंटिक स्वीट डिश है, तो बहुत सारे तरीकों से ये बनता है। मुझे पता है आप लोगों के पास भी बहुत सारे तरीके होंगे इसको बनाने का, लेकिन मैं जैसे घर में बनाती हूँ यूजुअली, मैं वही तरीका आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही आसान है और झटपट बन भी जाता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गाजर, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे गाजर को पील करना है, उसके बाद उसको ग्रेट करना है। मेरे पास ये वाला ग्रेटर है तो मैं इससे गाजर को ग्रेट करूंगी। इसका एक ही प्लस पॉइंट है, इससे अगर आप ग्रेट करते हो तो गाजर जो है वो अंदर ही रहता है, ग्रेटेड कैरेट्स बाहर नहीं निकलते हैं। आपके पास अगर ये हो तो इसे भी आप ग्रेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा काट लेती हूँ। अभी इसका जो ऊपर का ये स्किन है इसको मैं थोड़ा सा पील कर दूंगी, ऐसे ही थोड़ा सा। गाजर को सबसे पहले मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा छील लिया है। अभी इन सबको मैं ग्रेट करूंगी। तो ये देखिए गाजर एकदम अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अच्छा, तो इंडक्शन के ऊपर मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है, इसके ऊपर अभी मैं डालूंगी 1 चम्मच देसी घी और उसमें गाजर को मुझे फ्राई करना है। ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं इसके ऊपर गाजर डाल के अच्छे से फ्राई करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। घी गर्म हो चुका है तो अभी मैं सारे ग्रेटेड कैरेट्स को इसमें डाल रही हूँ। ये जो डिश है ये बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और अगर आपको चीनी खाना पसंद नहीं है ना, तो आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ डाल के भी बहुत ही टेस्टी बनता है ये, लेकिन तब आपको फ्लेम को ऑफ करने के बाद, मतलब एकदम लास्ट में आपको गुड़ को डालना है। गुड़ डालने के बाद आप इसको उबालना मत, नहीं तो दूध जो है वो फट भी सकता है। ये लगभग फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी दूध। मैंने 1/2 लीटर दूध लिया था, उसको मैं अभी थोड़ा डालूंगी और फिर लास्ट में थोड़ा सा डालूंगी। मैंने ये 2 छोटी इलायची लिया है, इसको मैं तोड़ के इसमें डाल दूंगी। अभी मैं इसको एकदम लो फ्लेम पे करके पकाऊंगी तब तक जब तक गाजर जो है वो 1/2 कुक्ड ना हो जाए। तो मैंने ये ढक्कन ले लिया है, इसको मैं भी बंद कर रही हूँ और फ्लेम को अभी मैं लो कर रही हूँ। अब मैं इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही। कंडेंस्ड मिल्क डालना आपके ऊपर है,
आप अगर चाहते हो तो डालो, आप अगर ना चाहते हो तो मत डालो। कंडेंस्ड मिल्क डालने से इसका जो रिचनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे बहुत पसंद आता है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप एक चम्मच ज़्यादा डाल दीजिए, आप अगर कम मीठा पसंद करते हो तो थोड़ा सा कम डालिए। लेकिन दिमाग में एक चीज़ रखिए कि आपने कंडेंस्ड मिल्क डाला है तो वो सोच के ही आप चीनी का इस्तेमाल कीजिए। अभी एकदम लास्ट राउंड चल रहा है तो अभी मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद थोड़ा सा पकाऊंगी और ये रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए, मेरा गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है। आप बोलोगे कि हलवा तो और ज़्यादा गाढ़ा होता है और ज़्यादा थिक होता है, ये तो थोड़ा पतला है, लेकिन हमारे घर में सभी लोग ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। और इसको अगर जब आप ठंडा करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली थिक बन जाएगा। तो ऐसे ही क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर ही मेरे घर वालों को पसंद है, इसके लिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ। आप अगर थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हो तो आप इसको थोड़ा मतलब और एक दो मिनट उबाल लेना, ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा बन जाएगा। देख के ही मुँह में पानी आ रहा है ना, तो झटपट घर में बनाइए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा बना है।